जिस पति के साथ हमेशा जीने मरने की कस्में खाई थी, अपने प्रेमी के चक्कर में उसी पति को जान से मार दिया। जी हाँ, इस बात का खुलासा अपने पति का कत्ल करने वाली बीवी ने खुद पुलिस की पूछताछ के दौरान किया है। अपने पति को ठिकाने लगाने का पूरा जाल बर्फीना नाम की इस महिला ने अपने प्रेमी मुकीम के साथ मिलकर रचा। दरअसल नूह मेवात में एक व्यक्ति की हत्या किए जाने का मामला सामने आया था। जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि हत्या है। उस व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या की गई थी। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ तो पुलिस की शक की सुई मृतक की बीवी की ओर पहुंच गई, और जैसे ही मृतक की बीवी पुलिस के कब्जे में आई तो उसने जल्द ही इस पूरी वारदात का पुलिस के सामने खुलासा कर दिया। उसने खुलासा किया कि कैसे उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने का जाल बनाया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी महिला ने बताया कि उसने अपने पति को नशे की गोलियां दी और बाद में अपने प्रेमी मुकीम के साथ मिलकर बेल्ट से अपने पति के गला घोंटकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस अब आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी में जुट चुकी है। वर्जिना नाम की औरत थी जिसके ऊपर एलिगेशन लगा था। पोस्टमार्टम में ये बात क्लियर हुई थी कि मैं गला घोंट के मारा गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। वर्जिना से पूछताछ की गई थी। वर्जिना ने ड्यूरिंग इंटरोगेशन अपना गुनाह माना था। उसका मित्र था कोई मुकीम, दो तीन महीने से उसके पास आना जाना था एज ए लवर। उन दोनों ने मिलकर रात को शाम को तो उसमें भी गोलियां पिलाती थी दूध में, और रात को 12:30 बजे गला घोट के मार दिया था। मुकदमा दर्ज कर दिया गया था 302 में और दोनों की अरेस्ट हो गई है। जिस बेल्ट नुमा पट्टे के साथ गला घोटा गया था उसको बरामद कर लिया, कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि ये आरोपी महिला पहले से ही 5 बच्चों की माँ है और उसका प्रेमी मुकीम अभी शादीशुदा भी नहीं है। अपने प्रेमी के प्यार में ये महिला इतनी पागल हो गई कि इसने एक बार भी अपने 5 बच्चों के बारे में नहीं सोचा। अब इन बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका है, माँ जेल में चक्की पीसेगी। ऐसे में इन 5 बच्चों के आगे भविष्य का संकट खड़ा हो गया है। सत्य खबर के लिए नूह मेवात से एके बघेल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।